अखिलेश ठीक है हाँ, लेकिन यादव उनके सपोर्टर ने गड़बड़ा, वर्चस्व उनका रहता है, वो सबको मारते पीटते हैं। हम भी चाह रहे हैं कि हमको सरकारी नौकरी मिल जाए, लेकिन उतना योग्य हमको बनना पड़ेगा। हमेशा पेपर में निकल रहा है, कंपटीशन हो रहा है, पढ़ना पड़ेगा, लेबर करना पड़ेगा, तब होगा। ऐसा थोड़ा होगा चौराहे पकौड़ी भी खा लेंगे और सरकारी नौकरी भी ले लेंगे, नकल से पास भी हो जाएंगे और नौकरी भी ले लेंगे। समाजवादी सरकार हमने 5 साल देखा है अखिलेश का, और बहुत खराब अनुभव हो रहा है। एकदम गुंडई और कब्जा दखली, मतलब बिल्कुल अराजकता का माहौल था, और एक जात विशेष का ही शासन था, जिसे और सबके लिए बड़ी परेशानी थी। सड़क है, बिजली है, पानी है, फिर क्या लेना चाहते हैं? हमारे घर रोटी बना के देंगे? आपके गाँव की सड़क है? गाँव की सड़क नहीं, वो सड़क देखिए, मेन रोड की बात नहीं कर रहे। जो एक सामान्य वर्ग का लोग होता है वो हाईवे पे बहुत कम जाता है, हाँ, वो अंदर गली गलियारों में ही रह जाता है, और गली गलियारों की सड़कें जब मजबूत नहीं बनेंगी, वो सब ठीक है। योग्य को हमेशा नौकरी है, हमेशा रोजगार है, अयोग्य को कभी नहीं है न कभी रहे। गोरखपुर से कुछ किलोमीटर दूर खजनी विधानसभा कवर करने आए थे। खजनी विधानसभा गोरखपुर की बेहद खास विधानसभा है। खजनी विधानसभा कवर करने के दौरान हम पहुंचे हैं एक गाँव में, इस गांव का नाम है रुद्रपुर, सही कह रहे ना, रुद्रपुर गांव में हम मौजूद हैं, और यहां पर कुछ लोग हैं, कुछ बुजुर्ग लोग हैं और काफ़ी अनुभवी लोग हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग किसकी सरकार बना रहे हैं, चूँकि इन्होंने काफ़ी बार मतदान किया होगा तो ये अच्छी तरीके से जानते होंगे, सारी सरकारों से ये वाकिफ होंगे। तो इस बार देखना ये है कि ये लोग अनुभवी लोग किसके साथ जाते हैं, किसकी सरकार बनाते हैं। हाँ अंकल, दादा, किसकी सरकार बना रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि भाजपा की सरकार बन जाए। क्यों? क्योंकि वो योगी ने विकास कार्य किया है गोरखपुर में और समस्त पूरे प्रदेश में। लेकिन लोग तो कह रहे हैं खजनी विधानसभा में विकास नहीं हुआ। खजनी विधानसभा में विकास नहीं हुआ, संत प्रसाद ने कुछ भी काम नहीं किया। खजनी विधानसभा में विकास नहीं हुआ है, फिर भी आप भाजपा को वोट देंगे? हाँ, केवल नाम कमल के फूल के नाते और कुछ नहीं, संत प्रसाद के नाते नहीं। हाँ, अब नए प्रत्याशी आए हैं, इनसे हम लोगों की आशा है कि ये लोग विकास करेंगे। पुराने वाले प्रत्याशी हम लोगों के लिए अच्छे नहीं थे, उनको हमने विधायक बनाया था, लेकिन 5 साल तक उन्होंने हम लोगों को, 10 साल तक कोई, 2 बार विधायक बने, कोई खबर नहीं लिए। नए प्रत्याशी आए हैं, अनुभवी हैं, योग्य हैं, इसलिए हम इनको विधायक बनाना चाहते हैं, अपना प्रतिनिधि बनाना चाहते हैं। इनसे हमारी अपेक्षाएं हैं कि हमारा विकास ये करेंगे, क्षेत्र का विकास करेंगे। वर्तमान के विधायक हैं वो संत प्रसाद बेलदार, किसी काम लायक नहीं है। आप लोग कह रहे हैं, यहाँ के लोग ही कह रहे हैं कि जो भाजपा से विधायक थे संत प्रसाद बेलदार, उन्होंने कुछ काम नहीं करवाया। आप जो पिछली कवरेज थी उसमें भी आपने देखा, काफ़ी लोगों की शिकायतें थी कि लोगों ने कहा कि संत प्रसाद बेलदार ने कुछ काम नहीं करवाया है। खैर, इस बार भाजपा ने उम्मीदवार बदल दिया है, श्रीराम चौहान को उतारा है। तो क्या लगता है इस बार किन मुद्दों पर आप लोग सरकार बनाएंगे? विकास के मुद्दे पर, विकास है, विकास करेंगे। हाँ, अगर आपके विधानसभा में तो विकास ही नहीं हुआ। नहीं, विकास हो तो इसीलिए ना, नाली बनेगी, सड़क बनेगी, संपर्क। सरकारों का क्या होगा? दूसरे हैं, रूपावती देवी भी उठी हैं, उन लोगों पे आप भरोसा नहीं? वो भी कर रही हैं, जो क्षेत्र में भिड़ी हैं, देखिए लगी हुई हैं, वो भी अपना प्रयास कर रही हैं, ऐसा थोड़ो ना है कि नहीं कर रही हैं। देखिए, आप बताइए दादा। समाजवादी सरकार हमने 5 साल देखा है अखिलेश का, और बहुत खराब अनुभव हो रहा है। एकदम गुंडई हैं, गुंडई और कब्जा दखली, मतलब बिल्कुल अराजकता का माहौल था, और एक जात विशेष का ही शासन था, जिसे और सबके लिए बड़ी परेशानी थी। सपा का मतलब एक जात विशेष के लिए ही पूरा शासन है, तो इसलिए हम लोग भाजपा को वोट देंगे। आप कह रहे हैं सपा की सरकार में एक जात विशेष का प्रभाव था? हाँ, यादव वर्ग। हाँ, यही नाम ले लीजिए, क्यों उसमें कौन सा मिल जाए? यादव वर्ग का प्रभाव ज्यादा, वर्चस्व उनका रहता है, वो सबको मारते पीटते हैं, तेन करते तमाम। आप कह रहे हैं भाजपा की सरकार बनाएंगे, लेकिन अखिलेश ठीक है हाँ, लेकिन यादव उनके सपोर्टर ने गड़बड़ा। अखिलेश यादव ठीक है, लेकिन उनके सपोर्टर ठीक है? हाँ, उनके सपोर्टर गड़बड़ा। आपने कहा कि भाजपा की सरकार बनाएंगे, लेकिन जो लोग हैं, जो युवा लोग हैं ज्यादातर, वो लोग काफी नाराज हैं, उनकी शिकायतें हैं कि रोजगार नहीं। रोजगार भाई, देखिए रोजगार सही सबके समय में, इसका मतलब ये नहीं होता है कि केवल हमको सरकारी नौकरी मिल जाए तभी हमारा रोजगार है। सरकार ने बहुत रोजगार दिया है। आप कह रहे हैं सरकारी नौकरी, ये अगर 6 लेन बन रहा है तो उसके किनारे हम जाके उसके उसे जुड़ के
कुछ भी करके कमा सकते हैं, मतलब रोजगार है। ऐसा थोड़ा ना कि सरकारी सर्विस पा गए हम तभी रोजगार है, रोजगार करना हमको करने वाला होना चाहिए, तो रोजगार तो हमेशा है, किसी की भी सरकार हो, कुछ करना चाहिए तब रोजगार है, और नहीं करेंगे क्यों, सरकारी नौकरी के लिए रहेंगे तो उसके लिए हमको योग्य बनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। आप मोदी जी के पकौड़ी बेचने वाले वाक्य से? हाँ एकदम सहमत, एकदम सहमत। हाँ अगर हमको कमाना है उस लायक नहीं है कि हम कंपटीशन में जाके सरकारी नौकरी ले सकें, कैसे हमको? मैं ये मानता हूँ कि गरीब वर्ग के पास सरकारी नौकरी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि उनके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे नहीं होते। होना भी चाहिए, हम भी चाह रहे हैं हमको सरकारी नौकरी मिल जाए, लेकिन रोजगार जब वैकेंसियां निकलेंगी तो, और आगे सुनिए, हम भी चाह रहे हैं कि हमको सरकारी नौकरी मिल जाए, लेकिन उतना योग्य हमको बनना पड़ेगा, हमेशा पेपर में निकल रहा है, कंपटीशन हो रहा है, पढ़ना पड़ेगा, लेबर करना पड़ेगा, तब होगा। ऐसा थोड़ा होगा चौराहे पकौड़ी भी खा लेंगे और सरकारी नौकरी भी ले लेंगे, नकल से पास भी हो जाएंगे और नौकरी भी ले लेंगे। तो नहीं कह रहे हैं कि इस समय के युवा आप योग्य नहीं है? नहीं योग्य है कहने, लेकिन उस योग्य नहीं है, जिस योग्य है उसे करिए, जिस योग्य है उस योग्य वाली नौकरी तो मिलनी चाहिए, हमेशा मिलेगी, हमेशा है, उसके लिए प्राइवेट में जा करिए, यहाँ गीडा में जाइए, देखिए गीडा में कितनी नौकरी है, करने वाले कर रहे हैं, वहाँ निकलिए, शाम को जब शिफ्ट छूटता है तो चलने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा, वो रोजगार नहीं है, वो रोजगार नहीं कर रहे हैं। अगर हम भी जाएं तो हमारे लिए भी गीडा में रोजगार आज भी है, करना चाहें तो, और नहीं करना चाहें तो उसके लिए तो बैठ के कहते ना सरकार नौकरी नहीं दे रही है या नहीं। तो एक अगर पान की गिमटी चौराहे के रहने वाले हैं, हमारा गांव चौराहे पे, अगर एक पान की गिमटी और गुटका लेके बैठ जाए चौराहे पे तो वहाँ भी रोजगार है, शाम को जरूर 200-300 मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, लेकिन करने वाला चाहिए। क्यों, लेकिन अभी जब अगर ग्रुप डी में नौकरियाँ निकलती हैं, वैकेंसी निकलती है, हमारी 10,000 की वैकेंसी निकल रही है, तो उसमें 4-5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? सही, जब नौकरी अगर सीमित है हमारे यहाँ, ठीक है, हमारे थाने पे ग्रेजुएशन पास और MA पास लोग ग्रुप डी में, कुछ भी हो हमारे थाने पे तमाम नए सिपाही आए हुए हैं, अभी यंग एज के हैं, दो कंपटीशन बीट करके आए हैं, परिश्रम किए हैं, दौड़े हैं, कंपटीशन परीक्षा में पास किए हैं, मेडिकल करवाए हैं, तब आए हैं। तो अगर हम भी उस योग्य होते तो जैसे हमारे थाने पर नए आए हैं सिपाही, तो हम भी किसी और थाने पर होते, वो जो यहाँ है उनके थाने पर हम पोस्ट होते, लेकिन उस योग्य होना पड़ेगा। उनसे पूछिए कितना जो नए आए हैं, जो भी जिस भी विभाग में आए हों, कितना परिश्रम करके आए हैं, दौड़ के आए हैं, मेहनत करके आए हैं, अपना फिटनेस दे के आए हैं, तब ना आए हैं, और हम उस योग्य है या नहीं है, पता चला कि किसी तरह से पास हो गए या किसी तरह से वो ले लिए, तो ऐसा तो होगा नहीं, योग्य बनना पड़ेगा। योग्य को हमेशा नौकरी है, हमेशा रोजगार है, अयोग्य को कभी नहीं है ना कभी रहेगा, चाहे जो भी सरकार हो, चाहे जो भी। कह रहे हैं कि नौकरियों के लिए अभी लोग योग्य नहीं है, काफी युवा, जब योग्य होंगे लोग तो सरकार नौकरियां भी देंगे, इनका कहना है सर? हाँ ऐसा नहीं है, इनके कह रहे हैं कि जब योग्य लोग रहेंगे तो उनको नौकरियां आराम से मिल जाएंगी, हमेशा। आप बताइए आप किसकी सरकार बनवा रहे हैं? हम तो भाजपा की बनाएंगे। आप कुछ वजह बताएंगे जो इन्होंने ना बताया हो? विकास के अलावा है क्या? लेकिन विकास नहीं है, अच्छा विकास कह रहे हैं, लेकिन एक समान रूप से हम कहीं भी जा सकते हैं, निर्विघ्न रूप से आ भी सकते हैं, चुनौती नहीं है। पहले कितनी गुंडाई होती? अरे पहले कौन आंकड़ा हुआ, लेकिन यह कि पहले की सापेक्ष आज बहुत जीरो के बराबर है। कोई गुंडाई बता सकते हैं पहले जो हुई थी? अरे क्या नहीं हुआ था महाराज, आप बताएंगे? अब हमारी सरकार में जो गुंडाई हुई थी, गुंडाई हुई थी कुछ मालूम? तो आप चौराहे से पता करिए या थाने से पता करिए, पता चली जाएगा। गांव में क्या, गांव तो हम लोग जानते हैं कि पता चला हम खेत बोए हुए हैं, खेत है हमारा, अब काट ले गया कोई और, इसको हम क्या कहें? काट तो अभी भी ले जाते हैं, फसलें खराब कर देते हैं, गाय थाने पर जाते हैं, सुनवाई होती है। ये बताइए आप विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बार अखिलेश यादव ने बयान दिया था कि भाजपा का विकास फिल्मी घोड़ी की तरह है, हिलता डुलता है मगर आगे नहीं बढ़ता है। देखिए ना, सड़क है, बिजली है, पानी है, फिर क्या लेना चाहते हैं? हमारे घर रोटी बना के देंगे? ये आपके गांव की सड़क है? गांव की सड़क नहीं, वो सड़क देखिए, मेन रोड की बात नहीं कर रहे, जो एक सामान्य वर्ग का लोग होता है वो हाईवे पे बहुत कम जाता है, हाँ वो अंदर गली गलियारों में ही रह जाता है, और गली गलियारों की सड़कें जब मजबूत नहीं बनेंगी, वो सब ठीक है अंदर के साथ, लेकिन मेन जो हमारा उद्देश्य उससे आवागमन उससे है,
कहीं भी जाएंगे कहीं भी आएंगे उसी से जाएंगे आएंगे। अरे अभी बनी ये भी सड़क प्रस्ताव में है, ये जल्दी बहुत जल्दी तो इलेक्शन की वजह से रुक गया है, नहीं तो इस पे भी काम बन जाएगा। हाँ एकदम कंफर्म है, इसमें कहीं बट नहीं है। आप बताइए किन मुद्दों पर सरकार बता तो विकास के मुद्दे पर, सुरक्षा के मुद्दे पर और अत्याचार गुंडई से बचने के लिए। अच्छा यहाँ के जो विधायक थे उन्होंने आप लोगों ने कहा कि काम नहीं करवाए हैं तो हाँ हुआ तो श्रीराम चौहान को कर दिया गया इसीलिए कि सिर्फ काम क्या लगता है भाजपा कितनी सीटें निकालेगी? तो भाई हम लोग नहीं बता पाएंगे। 300 से कम नहीं आएगा। सपा वाले भी कह रहे हैं 300 पार ले जाएंगे, वो भी 300 ले आएंगे। 300 नहीं 400 भी। अच्छा सपा वाले कह रहे हैं 400 टोटल सीटी 403 है। ठीक है हम 300 जीतेंगे, हो सकता तो हो गया, हम 300 सीट जीतेंगे, हो सकता हो 300 से अधिक 400 जीत जाए, वो अलग की चीज है, उनका है हमारा अपना है, उनका विचार है। यहाँ पे कुछ अनुभवी लोग थे और बड़े बुजुर्ग थे जिनसे हमने बातें की, इन्होंने कहा कि ये भाजपा की सरकार बना रहे हैं, विकास के मुद्दे पर सरकार बना रहे हैं, सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार बना रहे हैं। देखना ये है, ये बात तो तब पता चलेगी जब 10 मार्च को EVM का पिटारा खुलेगा और तभी ये भी पता चलेगा कि किसके सर पर सजेगा ताज़।